हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। और आज हम देखेंगे सेट नंबर 14। तो इससे पहले 13 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखा तो जाकर वो देखें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आज जो हमारा सेट होगा सेट नंबर 14, और एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। जो 2022-23 में इकोनॉमिक सर्वे आया था इस आपका 31 जनवरी को, तो उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ऑन 27 फरवरी 2023 फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी प्रेजेंटेड हिज 17th इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। इन हाउ मेनी चैप्टर्स हैव दिस इकोनॉमिक सर्वे हैज बीन प्रेजेंटेड। तो 27 फरवरी 2023 को क्या हुआ, 27 फरवरी 2023 को बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया किसके द्वारा, तो फाइनेंस मिनिस्टर बिहार के विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। उन्होंने क्या इस कौन सा इकोनॉमिक सर्वे था, तो 17th इकोनॉमिक सर्वे था, तो इसको प्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस इकोनॉमिक सर्वे में टोटल कितने चैप्टर्स थे, तो टोटल चैप्टर थे 14। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, वॉट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ कॉन्स्टेंट प्राइस इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार तो परसेंटेज इंक्रीज कितना था किस चीज में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कितना परसेंटेज चेंज था आपको ये बताना है। तो ये था आपका बी 10.98%। कितना, 10.98%। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार इन द ईयर 21-22। तो 21-22 में का बता रहा है, पूछ रहा है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताना है इसका सही है क्या गलत है। तो जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइसेस इज 675.45 थाउजेंड करोड़। तो जो करंट प्राइस पे बिहार का जीएसडीपी है वो कितना, 675.45 थाउजेंड करोड़, 675.45 हजार करोड़ है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिहार जीएसडीपी एट कंस्टेंट प्राइस इज 428.06 थाउजेंड करोड़। ये करंट प्राइस पे था, ठीक है, और ये कांस्टेंट प्राइस पे था। तो कांस्टेंट प्राइस पे क्या है, कम है, 428.06 हजार करोड़ है, और करंट प्राइस पे ज्यादा है 675.45 थाउजेंड करोड़। तो दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 2। व्हाट इज द बिहार्स नेट, बिहार्स पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक ऑफ द नेशनल एवरेज फॉर द ईयर 21-22। बिहार का नेट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक ऑफ द नेशनल एवरेज कितना है, ठीक है। तो नेशनल एवरेज का कितना परसेंटेज है बिहार पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक ऑफ द नेशनल एवरेज फॉर द ईयर 21-22, ठीक है। तो ये होगा आपको 33.7%। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार एट करंट प्राइस। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार बिहार में करंट प्राइस पे, कौन से प्राइस पे, करंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम कितना है बिहार का, पर कैपिटा इनकम है 54,383। कितना है, ए 54,383। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट इज द नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार इन 21-22 एट करंट प्राइसेस। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट एनएसडीपी बिहार का कितना रहा 21-22 में एट करंट प्राइस, करंट प्राइस तो आपको बताना है करंट प्राइस पे 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में बिहार का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहा है। तो वह रहा है 614.43 थाउजेंड करोड़, 614.43 थाउजेंड करोड़। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पर कैपिटा इनकम। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन बिहार, तो ये सही है। पटना डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन बिहार, तो ये सही है। शेखपुरा इज द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन बिहार, तो ये गलत है, शेखपुरा नहीं होगा, यहाँ पे शिवहर है। आप सभी को पता होगा, आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो देखा होगा तो
तो सीवर है जहाँ पे लिस्ट लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है और पटना डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है, तो इसका वन सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए वन ओनली। एज पर द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अलग अलग सेक्टर का शेयर क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज 21.2%, तो ये बिल्कुल सही बात है, जो प्राइमरी सेक्टर का शेयर है वो 21.2% है। द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज 18.1%, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी का शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज 50.7, 50.7 नहीं होगा, 60.7% होगा, तो ये गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी वन एंड टू, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 विच इज द हाईएस्ट कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलपीजी, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार इनमें से कौन सा जिला हाईएस्ट कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट है इसका एलपीजी का, तो एलपीजी का कंजप्शन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है बिहार में एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पटना जिला में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट आर द टोटल रिसिप्ट ऑफ बिहार इन द ईयर 21-22, तो 21-22 में बिहार का टोटल रिसिप्ट क्या है, जो बिहार ने रेवेन्यू रिसीव किए हैं वो कितना है, तो वो है 1,99,250 करोड़। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार इन द ईयर 21-22, तो क्या पूछ रहा है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार इन द ईयर 21-22, तो बिहार के बिहार में जो टोटल खर्च हुआ है एक्सपेंडिचर हुआ है इन द ईयर 21-22 में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा जा रहा है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार इन द 21-22 वॉज 1,93,123 करोड़, 1,93,123 करोड़, तो ये सही स्टेटमेंट है। The total expenditure of Bihar in 21-22 is 28.6% of the Bihar state's GSDP. जो बिहार का टोटल एक्सपेंडिचर है 21-22 में वह कितना है, 28.6%, ठीक है, जो ऑफ किसका स्टेट GSDP, तो बिहार का जो GSDP है उसका 28.6% टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है बिहार का 21-22 में, तो ये भी सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 1.59 लाख करोड़, 82.4% आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 82% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड टू द टोटल रिसीव्ड इन द स्टेटमेंट इज स्टेट इन 21-22 इज, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार जो रेवेन्यू रिसीप्ट का परसेंटेज है टोटल रिसिप्ट में वो कितना है, तो वो काफी ज्यादा है और जो कि 79.69% है, रेवेन्यू रिसिप्ट का है, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमने ऊपर में देखा है कि 82.4% है। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे व्हाट वाज द रेवेन्यू डिफिसिट ऑफ बिहार इन द ईयर 21-22, तो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार बिहार में जो रेवेन्यू डिफिसिट था 21-22 में वह कितना था आपको ये बताना है, तो वह था 422 करोड़ का रेवेन्यू डिफिसिट, कितना, 422 करोड़ का रेवेन्यू डिफिसिट था इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। According to Bihar Economic Survey, the revenue deficit of Bihar in the year 21-22 was what percentage of total GSDP in the state? So, Bihar Economic Survey के अनुसार जो revenue deficit था बिहार में 21-22 में वो कितना percentage था, अगर हम percentage के टर्म में बात करें तो GSDP का कितना percentage revenue deficit था in 21-22, तो ये था 0.1%, तो 0.1% of GSDP of the state ये क्या था, revenue deficit था। According to the Bihar Economic Survey, the fiscal deficit of Bihar in the year 21-22 was what percent of the total GSDP of the state? तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो फिस्कल डिफिसिट था बिहार में 21-22 में वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जीएसडीपी ऑफ द स्टेट, तो स्टेट के जीएसडीपी के कितना परसेंटेज था फिस्कल डिफिसिट, तो ये था 3.8% फिस्कल डिफिसिट था, ठीक है, और इससे पहले हमने देखा था कौन सा डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, तो वो था 0.1%, रेवेन्यू डिफिसिट 0.1% और फिस्कल डिफिसिट 3.8%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे व्हाट वाज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार इन द ईयर 21-22। अब पूछ जाए ऊपर था परसेंटेज के टर्म में 3.8% ऑफ जीएसडीपी, अब पूछ लिया अमाउंट के टर्म में कि कितना अमाउंट फिस्कल डेफिसिट था बिहार में इन द ईयर 21-22। ठीक है, तो ये था आपको 25,551 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था। According to Bihar Economic Survey, what was the primary deficit of Bihar in the year 21-22? तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत सारा deficit है, revenue deficit है, fiscal deficit है, यहाँ पे primary deficit आ गया। तो primary deficit कितना था 21-22 में? तो ये था आपको 11,729 करोड़। According to the Bihar Economic Survey 22-23, what percentage growth rate was recorded in GSDP in the primary sector in the financial year 21-22? तो Bihar Economic Survey 22-23 के अनुसार कितना growth rate, कितने percentage growth rate record किया गया है in GSDP in the primary sector in the financial year 21-22? तो 21-22 के financial year में primary sector में कितना increase हुआ है, मतलब ये पूछ रहा है primary sector में कितना increase हुआ है simple। तो यह हुआ है 9.6% का increase हुआ है primary sector में। According to Bihar Economic Survey 22-23, what percentage growth rate was recorded in GSDP, the secondary sector in the secondary sector in the financial year 21-22? और secondary sector में कितना growth हुआ है? ऊपर था primary sector जहाँ पे हमने देखा 9.6% का था, ठीक है? अब देखेंगे हम secondary sector, secondary sector में growth हुआ 3.8%, कितना 3.8%? Bihar Economic Survey के अनुसार जो fiscal deficit था बिहार में was what percentage of total GSDP? फिस्कल डिफिसिट, ठीक है, तो ये होगा 4.8%। तो ये 20-21 से ध्यान रखिएगा, और ऊपर हमने देखा था 21-22 में, तो 21-22 में 3.8 था और 20-21 में 4.8 था, मतलब पूछ सकता है कि घटा है कि बढ़ा है। तो 20-21 में 4.8%, तो अगले साल 21-22 में 3.8%, मतलब 1% का घटा है फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, द टोटल बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाज, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो टोटल बोरिंग किया है बिहार सरकार ने, बोरो किया है, कर्ज लिया है, वो कितना अमाउंट है? तो वह अमाउंट है 40,445 करोड़, कितना 40,445 करोड़। इन द ईयर 21-22 विच डिस्ट्रिक्ट इज एट द फर्स्ट प्लेस इन रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो 21-22 में बिहार का कौन सा जिला सबसे टॉप पोजीशन पे था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन? रेवेन्यू कलेक्शन कहां से? स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में। तो यहां पे कौन सा जिला टॉप किया है? तो ये जिला टॉप किया है पटना। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट वाज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22? तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ है? टोटल फूड ग्रेन आपको ये बताना है। तो ये हुआ है 184.9 लाख टन। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट वाज द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22? बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ है राज्य में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में? तो ये हुआ है 121.19 लाख टन। तो लगभग 121 लाख टन हुआ है मिल्क प्रोडक्शन बिहार में 21-22 में। चलिए बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पे। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, द क्रॉप क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ बिहार इज, अब इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार बिहार का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है? बिहार का क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 1.44, कितना है? 1.44, तो सी हो जाएगा आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23? तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी के कंटेक्स्ट में कुछ पूछ रहा है, स्टेटमेंट दिया गया हुआ है, आपको सही बताना है। हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट 1.9, तो ये बिल्कुल सही बात है, जो हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो सीहोर जिले में है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है 1.9। द लोएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट 1.02, तो ये भी सही है, सबसे लोएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ पे? पूर्णिया में है, और सबसे ज्यादा कहाँ पे? सीहोर में, तो सी हो जाएगा आंसर इसका। According to the Bihar Economic Survey 22-23, what was the total fish production in the financial year 21-22? Bihar Economic Survey 22-23 के अनुसार total fish production कितना हुआ है financial year 21-22 में? तो total fish production हुआ है 7.62 लाख टन, तो आंसर हो जाएगा इसका बी,
7.62 लाख टन टोटल फिक्स प्रोडक्शन हुआ है फाइनेंशियल 21-22 में। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक्स 22-23, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द मैक्सिमम एरिया कंजप्शन, मैक्सिमम यूरिया कंजप्शन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सबसे ज्यादा यूरिया कंजप्शन किस जिले में हुआ है, सबसे ज्यादा यूरिया कंजप्शन किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो यह हुआ है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक्स 22-23, वट वॉज द टोटल सुगर प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 20-21-22। तो बिहार इकोनॉमिक्स 22-23 के अनुसार जो टोटल सुगर प्रोडक्शन कितना हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो टोटल सुगर प्रोडक्शन हुआ है वह हुआ है लगभग 45.6 लाख टन, कितना 45.6 लाख टन का। तो 29 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, विच टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन बिहार। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार विच टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन बिहार, तो बिहार में किस तरह का सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये तसर भी होता है, मलवाड़ी भी होता है और अंडी भी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द लेबर पॉपुलेशन रेशियो इन बिहार। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार लेबर पॉपुलेशन रेशियो क्या है बिहार में, लेबर पॉपुलेशन रेशियो क्या है बिहार में, तो यह है 40.1%, कितना है 40.1%। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट वाज द डिपेंडेंसी रेशियो इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 20-21। तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर में बिहार का डिपेंडेंसी रेशियो कितना रहा है ये बताया गया है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 में। तो बिहार का जो डिपेंडेंसी रेशियो रहा है वह रहा है 58.3%, कितना 58.3%। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट वाज द पार्टिसिपेशन रेट इन द स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 20-21। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार पार्टिसिपेशन रेट क्या था इन द स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 20-21। तो 20-21 में राज्य में पार्टिसिपेशन रेट क्या था, तो पार्टिसिपेशन रेट था 42.2%। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट के मामले में बिहार का रैंकिंग क्या था एज पर द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, तो इस रैंकिंग में था बिहार 15th पोजिशन पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, विथ रोड डेंसिटी ऑफ 3,167 किलोमीटर पर 1,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द जियोग्राफिकल एरिया द रैंक ऑफ बिहार इन द कंट्री। तो रोड डेंसिटी के मामले में बिहार का रैंकिंग पूछ रहा है। तो पहले सवाल तो ये बन सकता है कि बिहार में रोड डेंसिटी है कितना, तो हर 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पे 3,167 किलोमीटर का रोड है, ये हो गया डेंसिटी। अब बिहार का रैंकिंग क्या है, तो बिहार का रैंकिंग है सी, थर्ड, तो तीसरे नंबर पे बिहार है इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एनएच इन बिहार टिल सितंबर 22। तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार बिहार में टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितना है सितंबर 2022 तक, तो यह होगा आपको लगभग 6,000 है, तो 5,977 किलोमीटर, तो डी हो जाएगा आंसर इसका। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एनएच इन बिहार। तो एनएच के बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ एनएच इज इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये बिल्कुल सही बात है। सबसे कम एनएच कहाँ पे है, तो सीहोर में है, कहाँ पे, सीहोर में है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनएच इन पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो सबसे ज्यादा एनएच कहाँ पे, पटना में है, तो ये भी सही है। एनएच ऑफ 519 किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड इन बिहार इन द ईयर 21-22, अगर हम 21-22 में पर्टिकुलर बात करें कि कितना एनएच बनाया गया, तो वो था 519 किलोमीटर, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट इज द शेयर ऑफ बिहार इन द रेल नेटवर्क ऑफ द एंटायर कंट्री। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार पूरे कंट्री में बिहार का शेयर कितना है किस चीज में, रेल नेटवर्क में। तो रेल नेटवर्क में बिहार का शेयर कितना है आपको ये बताना है। तो ये शेयर है 5.6%, मतलब जो पूरे इंडिया में जो जितना रेल नेटवर्क है उसका 5.6% कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। तो 5.6%। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट हैज बीन द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार बाय बिहार इन द ईयर 21-22। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार व्हाट इज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी का पर कैपिटा एक आदमी कितना कंज्यूम कर रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या,
329 किलोवाट आवर, तो आंसर हो जाएगा सी इसका। तो 329 किलोवाट आवर यूज कर रहा है हर आदमी, मतलब एक आदमी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द ईयर 21-22, तो 21-22 में बात करें तो टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो वो है पटना, गया एंड मुजफ्फरपुर। कौन कौन है? पटना, गया एंड मुजफ्फरपुर। 41 देखते हैं, द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ बिहार इज नाउ हाउ मच मेगावाट इन द ईयर 21-22। अगर हम बात करें प्रोडक्शन कैपेसिटी की ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो कितना मेगावाट है इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इसका आंसर हो जाएगा सी, 7785 मेगावाट। कितना? 7785 मेगावाट प्रोड्यूस हुआ है 21-22 में। हाउ मेनी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर करेंटली ऑपरेशनल इन बिहार, तो बिहार में अभी हाल ही में कितना स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है? तो ये है 13। तो याद रखिएगा अभी करेंटली 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ऑपरेशनल है बिहार में। हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड अंडर जीविका टिल सितंबर 2022, तो जीविका के तहत कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा चुके हैं सितंबर 2022 तक का, ये बताना है आपको। तो ये बहुत ज्यादा नंबर है एक्चुअली, ये है लगभग 10.5 लाख के करीब, 10.35, 10,35,000। तो आंसर हो जाएगा इसका ये। अंडर द सात निश्चय 2.0 चीफ मिनिस्टर रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2022-23 फॉर ओवरऑल एवरी पंचायत ऑफ द स्टेट। हाउ मेनी सोलर स्ट्रीट लाइट्स विल बी इंस्टॉल्ड इन ईच वार्ड अंडर दिस स्कीम, तो सात निश्चय 2.0 के तहत मुख्यमंत्री रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम लगाया गया, स्टार्ट चालू किया गया फ्रॉम 22-23 से। इसमें क्या है कि हर पंचायत के में ये लगाया जाएगा और हर वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाना है। कितना लगाना है? 10। आंसर हो जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, नाउ द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार हैज बिकम हाउ मच, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार बिहार का अर्बनाइजेशन रेट कितना हो गया है? तो यह हो गया है 16.2%। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार इन द ईयर 21-22, तो 21-22 में बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या रहा है? यह रहा है 44.2%। कितना? 44.2%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन बिहार हैज इंक्रीज्ड टू हाउ मेनी इयर्स इन 2016-20, तो 16 से 20 के बीच में जो बिहार में बर्थ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना बढ़ गया है? तो वो हो गया है बढ़ के 69.5 ईयर्स तक। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, व्हाट वाज द एवरेज रेनफॉल इन बिहार इन द ईयर 21, तो एवरेज रेनफॉल कितना है बिहार में इन द 21-21 में? तो यह है 1414 मिलीमीटर, तो 1414 मिलीमीटर, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट इज द रैंक अमंग ऑल द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो बिहार का रैंकिंग बताना है आपको कि सभी राज्यों के GSDP है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसके आधार पर बिहार का रैंकिंग कितना है? तो बिहार का रैंकिंग थर्ड है, सी पे है बिहार। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23, द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन बिहार डिक्रीज टू हाउ मच इन द ईयर 20, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है बिहार में वो डिक्रीज हो गया, घट गया है 2020 में, वो कितना हो गया घट के? तो वह हो गया 27, ठीक है। तो ये था 50 क्वेश्चन सेट नंबर 14 के, इकोनॉमिक सर्वे का पे क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और सपोर्ट करें थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट एक और सेट बचा हुआ है जहाँ पे हम जनरल बजट पे क्वेश्चन करेंगे, जो कि लास्ट सेट होगा इस सीरीज का। तो देखते रहिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।